मज़ा आ गया ये मेमोरियल देख के, हमारी कंट्री के आर्मी कितना ब्रेवली फाइट किया था। प्राउड ऑफ यू आर्मी, सैल्यूट। कैसा लगा मेमोरियल देख के? अच्छा लगा। कैसा लगा हम मेमोरियल देख के? इस सबसे और वो लगता है कि यार ये लोग की लाइफ कितनी ज्यादा टफ है, और हम यहाँ आ रहे हैं घूमने, यहाँ इतने सारे लोगों की गई है जान। थैंक्स टू आवर एन आर्मी कि हम आज रह भी पा रहे हैं। ओ भाई ये तो प्रॉपर वो क्या बोलते बंकर्स है। वाह अरे अंदर वो है थिएटर है, ऑडियो वीडियो वहाँ पे भी वो सब दिया हुआ है, वो गाड़ी टैंक, वो वहाँ पे वो टैंक, वो जीप मशीन टॉप जीप वाला। ये प्रॉपर एरिया है जहाँ पे लड़ाई हुई थी। चलाना नहीं आता होगा हमको, तेरा टायर आ गया इससे से कहते 550 का नया टायर आ गया। टैंक उड़ा दी भाई साहब, वो वाला टैंक सही सलामत था, ये वाला टैंक की तो धज्जियां उड़ा दी, पता ही नहीं चल रहा चक्का कहाँ है, बेल्ट कहाँ है। बता इसको रिपेयर करने में कितना लगेगा, बता इसको रिपेयर करने में कितना लग जाएगा? अपन उल्टी साइड से आ गए। तेरा ये सही है, चलें सिपाही को दुश्मन। एंगल तो अच्छा आ रहा है, यहाँ से पीक लेने में बहुत सही रहेगा, पीक फायर बढ़िया होगा। एंगल बता, एंगल बता। माउंट टॉप गन, अरे उन्होंने जिसने जीता उसने लिखा होगा। नहीं करते ये, यहाँ लिखा लिखा हुआ है क्या अमेरिका ने। जिस जहाज से भाई जगजीत सिंह ने दुश्मन पर भारी तादाद में मशीन गन का फायर डाला और दुश्मन को जान और माल दोनों का भारी नुकसान दिया, जगजीत सिंह ने अपनी कंपनी बैठा जीत के लिए एक ओट। अब हमारा लॉन्ग वाला का भी डेस्टिनेशन चलता है ख़त्म, चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। We'll be right back.
और इसी के साथ हम तनोट माता मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ई पेमेंट लेता पूछता हूँ। ये तनोट माता मंदिर, अभी सबको भूख लगी है, अब देखते हैं पहले खाते हैं फिर चलेंगे घूमने। हाय उठ ब्रो, उठ ब्रो, नहीं सुन रहा ब्रो। हो गया काम? ठीक है मैं। ये लोग अभी जा रहे हैं परमिशन लेने के लिए बॉर्डर पिलर के लिए, तो अपन जाएंगे और अपन थोड़ा बजा बजा खाते तब तक। मस्त। यहाँ तनोट माता मंदिर के आगे यहीं पे अपन परमिशन लेते हैं बॉर्डर पिलर से स्नो के लिए। तो ये तीन चीज जरूरी है। अभी हम ये क्या बोलते हैं लॉन्गे वाला से परमिशन वगैरह लेके निकल चुके हैं टुवर्ड्स बॉर्डर पिलर 609। सिंस ये बहुत ही सिक्योर्ड जोन है तो यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता विदाउट परमिशन, एंड बहुत सारी चीज़ें ध्यान में भी रखनी है। होती शूट वगैरह भी हम शायद ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, जितना भी कर पाएंगे वो आगे दिखाएंगे आपको, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता है। ये देखिए ये है पूरा बॉर्डर एरिया, वील बी टचिंग द बॉर्डर ऑलमोस्ट पवलियार, यही है जहाँ हम अभी जा रहे हैं चेक पोस्ट। यहाँ से 18 किलोमीटर्स है। ये परमिट के लिए जो आपको चाहिए होते हैं डिटेल वो चाहिए होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस एक तो, और जितने बंदे हैं उनका डिटेल, और एक और क्या चाहिए था, और गाड़ी का नंबर एंड डिटेल। ड्राइविंग लाइसेंस इज मस्ट, और मास्क वगैरह पहनना है यहाँ पे। अगर आधार कार्ड नहीं है वो इशू नहीं होगा, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, उसी से आपकी एंट्री होगी। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ऑफ कोर्स नहीं जाना, जस्ट टू चेक की गाड़ी ऑथराइज्ड है और आप वहाँ कर सकते हो, और आपके वो डॉक्यूमेंट जमा कर लेंगे। हाँ। जमा कर लेंगे, उसके बाद आपका जो पास है फिजिकल पास वो फर्स्ट चेक पोस्ट पे ले लिया जाएगा, उसकी फोटो हमेशा क्लिक कर लें क्योंकि आगे आपको वही शो करनी है सबको। आफ्टर दैट आपका कोई भी इशू नहीं है, आप जा सकते हैं। जा सकते हैं जैसे हम जा रहे हैं। This is one of a lifetime opportunity. बहुत टाइम से मतलब पहली बार हम शायद कोई रियल बॉर्डर देखेंगे। लद्दाख भी हम जा चुके हैं बट वहाँ पे क्लोज उतने बॉर्डर के जा ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ चाइना, जो वहाँ बहुत ज़्यादा ही डिस्प्यूट है। बट यहाँ हम जा सकते हैं, वैसे तो यहाँ भी है बट फिर भी यहाँ जा सकते हैं। अनाशु सर आप इतने शांत। दूसरा चेक पोस्ट पे हम गए, वहाँ पे आपसे कोई मतलब बस फोटो देखा पास का और एक आदमी का नाम पूछा और कितने मेंबर है बस। उसके बाद आप अपना सेकंड चेक पोस्ट भी पास कर देंगे, आगे आएगा ब्लाइंड कर्व। ब्लाइंड कर्व पे गाड़ी स्लो रखें, आफ्टर दैट चलते हैं अपने नेक्स्ट चेक पोस्ट की। ब्लाइंड कर्व का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड कर्व होता है जहाँ वो कर्व होता है जहाँ पे दूसरा मतलब दिखता नहीं है रास्ता कि कहाँ को निकलेगा, दैट इज ब्लाइंड कर्व। वेरी गुड, वेरी गुड। वाटर पिलर 600 ना, इसका हमने परमिशन वगैरह लिया था। ये रहा, अभी वहाँ चलते हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं। ये जहाँ जो भी है पाकिस्तान है, ये जो घास है पाकिस्तान में दिख रही है सेना? अबे सेना नहीं दिखेगी, तो कहाँ दिख रही है सेना? पर है तो भाई अपनी इंडियन आर्मी, देख वहाँ पे उनका ही पोस्ट वहाँ पर है। हाँ वहाँ से दिखेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये पाकिस्तान यहाँ से सिर्फ 150 मीटर है। तो चलते हो रहा वो वाइट पत्थर दिख रहा है, अगर दिखेगा तो वाइट पत्थर दिखेगा, वो वाइट पत्थर दिखेगा तो वही है। कौन सा वाइट पत्थर? वाइट पत्थर कौन सा? यहाँ से वो दिख रहा है, वो वाइट वाला पत्थर। हाँ वही है, वहाँ से लग रहा है मेरे को, वहाँ से पता नहीं बाकी। इस ताली की चाबी कहाँ है?
पहले किसका भी कहा है जाना उस तरफ फिशेस चलना ये एरिया पूरा पेट्रोलिंग के लिए ऐसे यहाँ से बिल्कुल ऐसे और ये अभी अपन तनोट माता मंदिर के यहाँ पे रुके हैं तो मंदिर में चलते हैं देखने के लिए वही मंदिर जिसके बारे में बता रहे थे भैया बम पड़े लेकिन वो बम फटे नहीं देखते हैं मंदिर यही है अंदर जाके वो जो मंदिर है वही है ये रहा मंदिर सीमा सुरक्षा बल प्राचीन कुआं शौचालय है वहां पे जाके शौचालय कर सकते हैं जाइए वहां पे जाके शौचालय ये वाला लिखा है अंधे अनपढ़ गवाड़ ये देखिए लिखा है यहीं मिलेंगे भाई और कहां मिलेंगे ये मंदिर यहाँ पर है वहाँ पर भी मंदिर है यहाँ पे ये हॉल है बैठने के लिए ये रहा मंदिर प्रॉपर मंदिर है ये प्राचीन कुआं जो काफी गहरा है खाली है खाली है ये रहा मंदिर और यहीं तनोट माता मंदिर के पास ये जलेबी वाला है और बड़ा सही जलेबी की खुशबू आ रही है अपन वही अभी ले रहे हैं खाता है अपन वो जल्दी बच्चे बताते हैं आपको कैसा है जलेबी और भाई खुश बच्चा आ रही है अभी अपन वहाँ से आए हैं मंदिर से यहाँ पे आए हैं बॉर्डर वगैरह देख के अब थोड़ा रेस्ट करेंगे यहाँ पे आके ये गिनेवा पैलेस में ये अपना होटल है यहाँ पे आके रेस्ट करेंगे थोड़ा सा ये है हमारा जैसलमेर वापस जब हम आए हैं उस टाइम का होटल इस बार हमने काफ़ी बजट होटल लिया है क्योंकि बस स्टे ही करना था रात को और कैंप वाज थोड़ा सा कॉस्टली भी ये रूम है ठीक ठाक है नॉट सो गुड नॉट सो बैड हाँ टाइट क्या होता है कि हाँ चलो जहाँ कर सकते हैं वहाँ कर सकते हैं कैंप भी हमने खूब किया एंजॉय अब रेडी होके निकल रहे हैं टुवर्ड्स दिल्ली अब वाया जोधपुर जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो डिपेंड करता है ड्यू टू टाइम शॉर्टेज क्योंकि राजस्थान में भी नाइट कर्फ्यू है अब और दिल्ली में भी तो बेसिकली रात को ड्राइव कर नहीं सकते और दिन को करने में ट्रैफिक दिन में बहुत ज़्यादा मिल जाता है ट्रैफिक तो देख रहे हैं क्या करना ये है हमारा होटल का व्यू अभी बाहर का लेट्स गो कल हमने गाड़ी बाहरी पार्क कर दी थी वो रहा जैसलमेर फोर्ट दैट इज ऊपर दिख रहा होगा आपको वो हमारी गाड़ी उधर खड़ी है ऐसा लग रहा है उसके साथ